टर्न है और हम प्रीपोजिशन की जो सीरीज लेकर चल रहे हैं उसमें हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि बिटवीन और अमंग का कहाँ प्रयोग करते हैं। बिटवीन और अमंग का प्रयोग आइए देखते हैं सर। तो आज हम लोग देखेंगे बिटवीन और अमंग के प्रयोग कहाँ यूज करेंगे सर। यूज ऑफ बिटवीन, चूंकि इसका हिंदी जो होता है वो होता है के मध्य में या के बीच में। इनका प्रयोग जो है के मध्य में या के बीच में के सेंस में किया जाता है सर। तो दो व्यक्तियों के बीच में होगा या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जब होगा तो उसके जगह पे हम अमंग प्रयोग करेंगे। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिटवीन और अमंग का प्रयोग। तो सबसे पहले बिटवीन समझ लेते हैं, उसके बाद अमंग देखेंगे। तो यहाँ लिखा है दो व्यक्ति अगर होंगे, दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं, यानी टू पर्संस आर टू थिंग्स के बीच में हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, सीता इज सिटिंग बिटवीन, सीता जो है बैठी है बिटवीन हर हस्बैंड एंड हर फादर, यानी ये दो लोग हैं, हर हस्बैंड एंड हर फादर, यानी हस्बैंड और फादर दो लोग हैं, यानी टू पर्संस है सर, टू पर्संस दो लोगों के बीच में। तो दो लोगों के बीच में वो बैठी है, तो हम जैसा कि बिटवीन का प्रयोग हम लोग देख रहे हैं कि दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में ही किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं एक दो और एग्जांपल। कह रहा है कि डिवाइड यानी बांट दीजिए दीज मैंगोज, इन आमों को बिटवीन यू एंड मी, यानी तुम्हारे में और मेरे में, इसका मतलब तुम और मैं, यानी दो व्यक्ति है इनके बीच में इन आमों को आप बांट दीजिए। बिटवीन राम एंड श्याम, ऐसा भी लिखा जा सकता है बिटवीन राम एंड श्याम सर। ठीक है, तो राम और श्याम तो दो हो जाएंगे सर, तो आप यूज करेंगे बिटवीन का। ठीक है, अगर यहाँ पे अमंग दिया है तो गलत है सर, गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, कुछ और रूल्स है। बिटवीन के बाद एंड का प्रयोग करेंगे सर, बिटवीन दिया है तो एंड देख लीजिए, न कि टू का प्रयोग करेंगे। बिटवीन के बाद एंड का ही प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग नहीं करेंगे। कुछ एग्जांपल देखते हैं, लिखा है कॉन्टेक्ट, एग्जांपल है कॉन्टेक्ट अस, हमसे मिलिए बिटवीन 7 AM टू 7 PM। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर एंड है तब तो सही है सर, क्योंकि बिटवीन के बाद एंड का ही प्रयोग करेंगे। अगर टू दिया है तो गलत है सर, गलत है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल टू का यूज करेंगे। करेंगे कॉन्टेक्ट अस, हमसे मिलिए From 7 AM टू 7 PM। तो देखिए यहाँ from लगा है ना, तो यूज कर सकते हैं टू, यहाँ एंड नहीं होगा सर। ठीक है, यानी बिटवीन जहां दिख रहा है वहां आप एंड प्रयोग कर लेंगे, तो ये दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं अमंग का प्रयोग। अमंग का भी प्रयोग हम लोग के बीच में और के मध्य में के ही सेंस में करते हैं, लेकिन करेंगे क्या, मोर देन टू पर्सन, यानी दो से अधिक जब लोग होंगे वहां हम अमंग का प्रयोग करेंगे सर। अगर आपको लगे कि दो से अधिक लोग हैं तो अमंग जाएंगे, या दो चीजें हैं उससे दो से अधिक चीजें तो अमंग जाएंगे सर। देख लीजिए, डिवाइड दीज मैंगोज अमंग द चिल्ड्रेन, अब चिल्ड्रेन यानी बच्चे हैं, तो बच्चे तो एक नहीं होंगे, एक से अधिक ही होंगे सर, यानी प्लुरल नाउन है, यानी प्लुरल नाउन, दिमाग रखना है। अमंग के बाद द बॉयज द चिल्ड्रेन ऐसा करके आएगा सर, यानी कुलर नाउन आएगा, यानी दो से अधिक होगा। ठीक है, टू पर्संस या टू थिंग्स नहीं होगा सर, उससे अधिक होगा, तो ये दिमाग में रखना है। अब देखिए अमंग और अमंगस्ट में क्या अंतर है सर, आइए देखते हैं। अमंग का प्रयोग भी कुलर नाउन से पहले और अमंगस्ट का भी प्रयोग कुलर नाउन से पहले ही करते हैं, तो यानी दो से अधिक लोगों के ही बीच में दोनों का करेंगे, लेकिन देखेंगे क्या, अमंग का प्रयोग हम कॉन्सोनेंट द लगा है ना, अमंग द बॉयज, तो ये द है यानी कॉन्सोनेंट साउंड आया है, यानी कॉन्सोनेंट से पहले करेंगे। अमंगस्ट का प्रयोग, अमंगस्ट आवर ब्रदर्स, तो यहाँ आवर आया है ना, यानी वॉवेल साउंड है, इसलिए अमंगस्ट का प्रयोग किया गया है। तो ये दिमाग में रखना है कि जब अगर साउंड वॉयल आता है तो अमंगस का प्रयोग करेंगे, यदि कॉन्सोनेंट साउंड आया है तो अमंग का प्रयोग करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखें बिटवीन और अमंग का प्रयोग।
जैसा कि बिटवीन का प्रयोग हम लोग देखे हैं, दो व्यक्तियों या दो चीजों के बीच में ही किया जा सकता है। एमंग का प्रयोग दो से अधिक के व्यक्ति और वस्तुओं के बीच में किया जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आओगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यदि आप पहली बार है तो, पहली बार आप चैनल देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।